आप देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS Nation में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वसई में जहां बड़े बड़े प्राचीन किले हैं, चर्च हैं, मंदिर हैं, जिन्हें हेरिटेज माना जाता है, वहीं यहां एक प्राचीन स्कूल भी है जो 1860 में बना था, जो वसई पश्चिम पापड़ी में जिला परिषद गोवर्धन विद्यालय के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण होने के बाद इस स्कूल में छात्राओं की कमी होती चली गई। एक समय ऐसा आया कि जहां 10 से भी कम बच्चे रह गए, तभी इस स्कूल में आए सकाराम उमाकांत भूमकर, जिन्होंने इस स्कूल की दिशा बदल दी, जबकि यह स्कूल बंद होने वाला था। शिक्षा को सबसे बड़ा दान मानने वाले शिक्षक सकाराम ने अथक प्रयास किए और अब स्कूल में 20 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इन 20 बच्चों को सिर्फ एक ही टीचर सकाराम पढ़ा रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन्हें 5,000 रुपये पूरे स्कूल को चलाने के लिए मिलते हैं, उसी में वे पूरा स्कूल चला रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। सकाराम भूमकर के इसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए VS Nation इन्हें चुनता है वसई का गौरव। इन्होंने अपने अनुभव और स्कूल के बारे में क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, आपका बहुत नाम है शिक्षण के क्षेत्र में, और खासकर जिला परिषद के स्कूलों में आपने बहुत मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने में, और यहाँ भी आप आए हैं ऐसे स्कूल में जहाँ बच्चे ना के बराबर थे और आप उस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप एजुकेशन क्षेत्र से हैं, तो एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है, जिस तरह की एजुकेशन कराई जाती है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन और डेवलपमेंट की और कुछ नया व्यू करने के लिए मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इच्छा है। अगर गवर्नमेंट ने इस शिक्षा क्षेत्र में जो अभी हम पढ़ाते हैं, उससे आगे एक नागरिक कैसा बनना चाहिए, ये सोचने वाली एक व्यू बना के एक सेक्टर और गवर्नमेंट और एजुकेशन प्लान में वो ला सकते हैं तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, तो आज लोग जो मैक्सिमम लोग जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पसंद करते हैं, इसी वजह से शायद आपके स्कूल में भी बच्चे कम हैं, तो आप क्या मानते हैं इस पर किसकी कमी है कि लोग प्राइवेट में जाते हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में लोग जाना नहीं चाहते? समाज और शासन यानी गवर्नमेंट दोनों की भी एक थोड़ी सी स्कूल की तरफ देखने की जो व्यू है वो पिछले 10 साल में बहुत अलग तरह से हुआ है। समाज प्राइवेट की तरफ से जा रहा है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट जो ग्रांट देते स्कूल को वो बढ़ाना चाहिए। आज के हिसाब से देखेंगे तो छोटे छोटे स्कूल को हर साल में 5,000 रुपये आता है पूरे गवर्नमेंट स्कूल को प्रीमाइसिस देखने के लिए, ये तो बहुत कम है। गवर्नमेंट ने अपने स्कूल की तरफ से ज़्यादा ग्रांट देना चाहिए, और समाज में जो व्यू अभी चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ से जा रहा है, तो जो हम पैसा प्राइवेट स्कूल में देते हैं, अगर वो हम गवर्नमेंट स्कूल में मदद करने के लिए देंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई में उनकी मदद करना चाहते हैं, डिजिटल स्कूल बनने के लिए या डिजिटल क्लासरूम बनने के लिए वो हम मदद करेंगे समाज एज ए समाज, तो गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बन सकता है। तो समाज और शासन दोनों ने भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पहले के हम देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े रैंक के लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और आज जो हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े स्कूल में भेजते हैं, तो क्या ये मानसिकता का फ़र्क है? हाँ, बराबर है, मानसिकता का भी फर्क है। और जो हमने सिलेबस अभी पढ़ा रहे हैं, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो ब्रॉड माइंड होके CBSE, ICSE यानी IB बोर्ड्स, इसके ये सिलेबस है उसके बराबर हम जब सिलेबस लाएंगे अपना खुद का गवर्नमेंट महाराष्ट्र का, तो उनका जो अधिकारी लोग हैं उनकी देखने की जो व्यू है वो बदल सकती है, हम गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ आपको अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ पे क्या पोजीशन है? अभी मैं इस स्कूल में 2019 में आया हूँ जून में, तो 2019 में आया था तो ये स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, पेंटिंग नहीं थी कुछ, पूरा ऐसा खंडर जैसा स्कूल था, और खाली 10 बच्चे थे, वो भी कभी कभी आते थे कभी आते नहीं थे। तो मैंने जो समाज के अच्छे लोग हैं जो इस स्कूल के एक स्टूडेंट हैं उनको जाकर मिला, उनके पास से मदद ली,
और किसी से भी पैसा नहीं लिया। जो दान दिया है उन्होंने वो वस्तु रूप में दान दिया है। एक क्लास मैंने अपनी डिजिटल बनाई, दूसरी क्लास वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छा पेंटिंग बनाई, और दो क्लास मैंने इतने अच्छे किए कि प्राइवेट स्कूल के जैसे उन्होंने मैंने वो दो क्लास कर दिए। और जो वाटर सिस्टम नहीं थे मेरे स्कूल में, टॉयलेट में पानी नहीं था, उसके लिए वाटर सिस्टम बनाई है। स्कूल में जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कुत्ते घुमाने के लिए आते थे, और यहाँ पे दारू की भी पार्टी होती थी स्कूल में। मैं देखकर हैरान हुआ कि एक स्कूल में दारू की पार्टी कैसी होती है। शाम में यहाँ पे अंधेरा रहता है तो इसकी वजह से वहाँ पे दारू की पार्टियाँ होती थी। तो मैंने आकर यहाँ पे समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे मदद ली कि लाइट लगाई, लाइट लगाकर गेट पर लाइट लगाई, फिर बाद में CCTV लगाए, और एज अ स्कूल वो अभी अच्छा लगने लगा है। अभी 20 स्टूडेंट है मेरे पास, वो 20 स्टूडेंट अभी अच्छे तरह से आ रहे हैं। और जब कोरोना के इस दौर में मैं जब स्कूल बंद था तो मैंने क्या किया कि रोटरी क्लब से जाकर संपर्क किया, और उन्होंने हमको 10 टैब दिए। वो टैब मैंने अपने स्टूडेंट को, जो बड़े बच्चे थे, 20 है लेकिन उसमें से 10 जो बड़े बच्चे, उनको बांट दिया। और वहाँ से उनको व्हाट्सअप कॉल, गूगल मीट, वहाँ से वह मैं उनको पढ़ाता हूँ अभी इस कोरोना काल में। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे जो UPSC MPSC करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू की, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? फ्यूचर में तो मैं इस स्कूल का फ्यूचर देखना चाहता हूँ कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, गवर्नमेंट हमको मदद करें, और जो समाज के जो अच्छे लोग हैं वो भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अच्छी बनाने के लिए मदद करें। और बाद में जब स्टूडेंट बन जाएंगे तो ऑब्वियसली टीचर बढ़ जाएंगे, और टीचर बढ़ जाने के बाद एक जो स्कूल, मराठी स्कूल जब बंद होने वाले हैं, वो अच्छी तरह से एक फ्यूचर बना सकते हैं। और बाद में हम स्कूल को सेमी इंग्लिश भी करना चाहते हैं। अगर हम सेमी इंग्लिश करेंगे या मराठी के साथ साथ इंग्लिश भी, दोनों का एट ए टाइम जो सिलेबस हम शुरू करेंगे, तो जो लोग हैं वहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर भेजेंगे, ऐसा मुझे लगा। आपने जवाहर में भी काफ़ी टाइम पढ़ाया, तो वहाँ और यहाँ की स्थिति में क्या फ़र्क है? जवाहर और वसई में तो ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं जवाहर में 11 साल था, तो उस 11 साल में पहले तो मैं 4 साल पैदल ही जाता था स्कूल में, 7 किलोमीटर पैदल जाता था, 7 किलोमीटर पैदल आता था। तो वो स्कूल तो बहुत जंगल एरिया है, घना जंगल, वहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं आ सकती, इतना घना जंगल था। और जब मैं वहाँ उस स्कूल में गया तो वहाँ पे स्कूल ही नहीं था, एक बड़ा पेड़ था उसके नीचे वो स्कूल शुरू हुआ, एक टीचर था और वो पढ़ाते, वो टीचर भी वहाँ का ही था, आदिवासी था। तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया और गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कोशिश की कि एक अच्छा स्कूल हमको चाहिए, तो गवर्नमेंट ग्रांट दी हमको, पैसा दिया, और हमने 3 क्लास का एक अच्छा बड़ा स्कूल बना दिया। खाली 4 तक ही वहाँ पे स्टूडेंट थे, और जो स्कूल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने कंपाउंड लिया, वाटर सिस्टम बनाई, जो मिड डे मील हम बच्चों को देते हैं उनके लिए किचन शेड बनाया, कुछ भी नहीं था, खाली एक रजिस्टर था, बाद में जो स्कूल को रिकॉर्ड लगते हैं वो सब बनाए हम। और जो आदिवासी लोगों की जो सोच है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को, कोई भी बच्चा बड़ा हो जाता है 9-10 साल का, तो बाद में वो क्या करते हैं कि जंगल में उसको भेज देते हैं, और जंगल में जो काम करते हैं वो जो औषधि वनस्पति वो सब कलेक्ट करके वो बेचने का काम वो सब लोग करते हैं। तो जो मेरा बच्चा है आगे जाके, आगे हर स्कूल में वो पढ़ेगा, 10वीं तक 12वीं तक जाएगा, इसके लिए मैंने वहाँ से प्रयास किया। और जो कुपोषण का समस्या थी वहाँ पे, तो एक सावली चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था थी, उन्होंने हमको बहुत सारा मदद किया, और लोगों को, बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशियस फूड है वो सब के लिए हमको मदद करते थे। इसकी वजह से उस स्कूल में
40-45 बच्चे थे और हम दो टीचर थे और हमने वो क्लास भी डिजिटल बना दिया, लेकिन वहाँ पे रेंज का बहुत प्रॉब्लम था। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे हमने स्मार्ट टीवी लगाई। स्मार्ट टीवी लगाने के बाद मैं जब रेंज में जाता था जवाहर में, तो वहाँ मैं अपने वो यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर देता था और वहाँ से उसको टीवी को कनेक्ट करके वो बच्चों को दिखाता था। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमने अभी गैप है, आर्थिक गैप है, शैक्षणिक गैप है, जो समाज के दो विभाग है, गरीब और अमीर, वो गैप मिटाने की मैं कोशिश करता था। तो वहाँ पे अभी 40 बच्चे पढ़ते थे, 11 साल में पढ़ा के वहाँ से मेरे ट्राइबल एरिया से सिटी एरिया में ट्रांसफर के लिए। अच्छा, ये मैंने सुना ये चाहते हैं कि ये स्कूल ख़त्म हो जाए, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हुई है, तो उसका भी कुछ ऐसा इरादा था लोगों का, प्रशासन का? नहीं, ऐसा लोगों का प्रशासन का कुछ इरादा मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन ये स्कूल है 1860, यानी महाराष्ट्र में आप या भारत में देखने जाएंगे तो 1848 में महाराष्ट्र में विजयवाड़ा में, जो पुणे में पहला स्कूल महात्मा ज्योतिबा फुले ने निकाला, उसके पहले भी महाराष्ट्र में या भारत में स्कूल थे, लेकिन वो भारतीय बच्चों के लिए नहीं थे, जो बाहर से पोर्तुगीज इंग्लैंड के लोग आते थे उनके लिए था, लेकिन भारत के बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं था। तो उसके बाद ही तुरंत, यानी जो भारत में पहला स्कूल निकला उसके बाद तुरंत ये स्कूल निकला 1860। तो ये स्कूल की बहुत बड़ी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, बहुत बड़ी हेरिटेज का दर्जा इस स्कूल को देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये हेरिटेज अपना आगे की पीढ़ी को देना चाहिए। तो इससे लाखों बच्चे मान सकते हैं स्कूल में पढ़ के गए? हाँ, हर साल में कम से कम 200 बच्चे यहाँ पे आते थे, तो 160 साल में बहुत। जो अभी स्कूल की दशा खराब हुई, बच्चे खत्म हो गए, कम हो गए एकदम से, वो उसका क्या रीज़न मानता है? अभी पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि अभी वसई के ईस्ट वेस्ट में आओगे आप, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम और CBSE ICSE के ज़्यादातर स्कूल आने वाले आ गए यहाँ, तो जो समाज अभी देख रहा है कि मेरा बच्चा CBSE में जाना चाहिए, ICSE में जाना चाहिए, तो वो कुछ भी काम करता है और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए भेजता है, लेकिन आगे का वो सोचते नहीं। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ेगा, जो CBSE में पढ़ेगा, वो अपने देश में नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे जो पापड़ी में जो मैं देखता हूँ, जो सोशल प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर। हम बंगला एरिया में जाएंगे, कभी सर्वे करने के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के टीचर हैं तो बहुत ऐसा काम बहुत करना पड़ता है, तो हम कभी बंगला एरिया में विजिट करने के लिए जाते हैं, कोई सर्वे करने के लिए जाते हैं, तो खाली दो लोग ही वहाँ पे रहते हैं और बहुत बड़ा बंगला रहता है। उनको पूछेंगे कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं अभी फॉरेन में रहते, इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में, US में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब वो इस मृत्यु होती है उनके पास उनकी, तो उनको देखने के लिए भी वो नहीं आते, तो वो बहुत रोते हैं कि हमने इनको बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया, एजुकेशन दिया, लेकिन जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो हम बच्चों को नहीं दे सकते। अगर हम मराठी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल अच्छी तरह से फ्यूचर देखना चाहते हैं उनको ये स्कूल का, तो हमको ये स्कूल को बहुत आगे बढ़ाना है, तभी आने वाला समाज एक संस्कारी समाज है, एक कल्चर वाला, जो अपने जो इंडिया का कल्चर है, कि आगे की पीढ़ी को हमको सोचना चाहिए कि ये स्कूल रहना चाहिए। थैंक यू। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS Nation सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।